ओवैस करनी के बारे में अगर कोई सही बात हो तो बता दें। लोग उनके बारे में अजीब अजीब बातें बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर केला अल्लाह ने इसलिए उगाया कि उन्होंने अपने दांत ये कहकर निकाल दिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत जंग में निकल गए थे। ओवैस करनी के बारे में इस तरह की जो बातें हैं ये तो महज गप हैं। केला अल्लाह ताला ने इसलिए उगाया या कोई और काम इसलिए किया, उनके बारे में बाद रवायतों में ये मालूम होता है कि एक बहुत मुखलिस बुज़ुर्ग थे और रसूलुल्लाह सल्लम के साथ भी उनको मोहब्बत थी, दीन के साथ भी मोहब्बत थी। बस इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। बाकी लोगों ने जो बातें मशहूर कर रखी हैं वो महज अफसाने हैं और हमारे यहाँ आप जानते हैं कि अफसानों से लोगों को बहुत दिलचस्पी होती है। अगर मैं भी आपको कोई दो चार इस तरह के किस्से सुना दूँ तो आप बहुत दिलचस्पी लेंगे उसमें। किस्सा गोई में हमेशा से दिलचस्पी रही है। तो ओवैस करनी की शख्सियत को भी इसी तरीके से एक बड़ी देवमलाई शख्सियत बना दिया गया है। सही रवायतों में इस तरह की किसी बात का कोई जिक्र नहीं है सिरे से। ये बात भी कि उन्होंने ये सुना और दांत तोड़ लिए या इस तरह का मामला, ये भी लोगों की महज उड़ाई हुई बातें हैं। और मैं तो ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो एक गलत काम किया, ये कोई काबिल तहसीन बात नहीं। अल्लाह ताला की किसी नेमत को आप इस तरीके से ना रद्द कर सकते हैं ना अपने आप को कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये तरीका कोई ठीक तरीका नहीं है और अगर उन्होंने किया है तो इस पर उनकी इस्लाह होनी चाहिए थी, ना कि इसको तहसीन की नज़र से देखा जाए।